नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं आपका मैं शिव घोटिया एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पशुधन सहायक का जो आज पेपर हुआ था उसकी आ, स्टीक आंसर की के बारे में आशा करता हूं आप सभी का पेपर है बहुत अच्छा गया होगा और आपको अब घबराना नहीं है आप अच्छे से आ, अपना है जो पेपर है वो मिलान कीजिए और आप है वेट कीजिए बोर्ड की आंसर की उसके बाद में रिजल्ट का अभी आपको घबराना नहीं है कि मेरे इतने ही सही हो रहे हैं तो कट ऑफ है वो डिसाइड आपका बोर्ड ही करेगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी पैनिक ना हो तो आज अपने इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एलए से जो चार जून दो हज़ार बाईस यानी आज जो परीक्षा हुई है पशुधन सहायक का जो पेपर है उसका जो एनालिसिस है या उसकी जो आंसर की है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन रहे थे और 80 क्वेश्चन आपके पास तो जो थे वो आपके वेटनरी साइंस के थे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है यानी कौन सी सीमा वो राजस्थान के साथ साझा नहीं है यानी आपकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली दिल्ली की सीमा है वो क्या है राजस्थान से नहीं लगती है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो की बात करें अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी सवर्ण मीनाकारी और मैल और हवेलियों में चित्रों पुस्तकला के विश्व प्रसिद्ध है यानी इसके लिए आपको जिला बताना है कि यानी ऊंटों पर जो जो मीनाकारी है उस खाल है खाल पर मीनाकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बीकानेर क्वेश्चन नंबर तीन बात करें क्वेश्चन नंबर तीन ईजी क्वेश्चन पूछा गया है भरतहरी हरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतहरी हरी मेला अलवर में लगता है क्वेश्चन नंबर छः की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी राजस्थान से में नहीं बहती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है तो इसका आपको करेक्ट आंसर कराना था करेक्ट आंसर आपको बताना है जो आपका करेक्ट आंसर होना था इसका ऑप्शन ए यानी सबसे दक्षिणी क्षेत्र है जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वो क्या ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार क्वेश्चन नंबर छः बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक का हिस्सा है बनास बेसिन है वो राजस्थान के पूर्वी मैदान का हिस्सा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्वी मैदान क्वेश्चन नंबर सात पचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है तो इजी क्वेश्चन है पचभद्रा है वो कहां स्थित है बाड़मेर में है और ये खारे पानी की झील है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण करौली जिले में स्थित है आपको बताना है केला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राजस्थान जीके का पेपर ईजी रहा है भी ईजी पेपर रहा है केला देवी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नो सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुओं तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झालाना झलाना सफारी पार्क है वो एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुओं देखने के लिए लोकप्रिय है क्वेश्चन नंबर दस लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है तो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर ग्यारह निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है यानी जो आपका हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो आपको बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ था वो आपका रहता है उदयपुर केन्द्र करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये उदयपुर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बारह की क्वेश्चन नंबर बारह हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है यानी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है तो जैविक खेती आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैविक खेती मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है क्वेश्चन नंबर तेरह निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है तो राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है इजी क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहिडा राजकीय पुष्प रहता है क्वेश्चन नंबर चौदह राजस्थान सरकार ने जयपुर उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप, एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो उसका नाम बताना था तो इसका नाम है ऑप्शन सी राज हवा राज हवा है इसका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पंद्रह की बात करेंगे बाखड़ा नांगल नहर परियोजना डैश के बीच संयुक्त परियोजना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान पंजाब हरियाणा राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है क्वेश्चन नंबर सोलह कंवर सैन लिफ्ट नहर डैश शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है तो आपको पता होगा कंवर लिफ्ट नहर है वो बीकानेर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सत्रह आई द्वारा राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को भिवा, आ, में विभाजित किया गया है यानी आई द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा राजस्थान को कितने शस्य जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दस दस शस्य जलवायु खंड है या कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है क्वेश्चन नंबर अठारह राज दो 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है ऊन उत्पादन में आपको राजस्थान का स्थान बताना था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्योंकि राजस्थान लगभग पैंतीस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत के आसपास ऊन उत्पादन भारत की करता है क्वेश्चन नंबर उन्नीस है हमारा राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना था आपको कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन एच इकहत्तर बी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बीस है राजस्थान में टंगस्टन कहां पाया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागौर डेगाना नागौर इसके लिए फेमस है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो राजस्थान के अंदर जो जाखम बांध है वो आप सभी को पता होगा कहां स्थित है जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो राजस्थान का सूरतगढ़ में है भी राजस्थान के सूरतगढ़ में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरतगढ़ क्वेश्चन नंबर तेईस निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे तो आपको बताना है कि सिसोदिया वंश है उनके पूर्वज कौन बने थे यानी सिसोदिया जो शाखा है कहाँ से प्रारंभ हो गई थी उनके पूर्वज राणा हमीर को माना जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राणा हमीर क्वेश्चन नंबर चौबीस बेराट जयपुर के पास भीमजी के डूंगरी के तल पर दो डे शिलाख बेराट शिलालेख और लघु शिला लेखा शिलालेख की खोज की गई तो वो खोज है वो किसके द्वारा की गई वो आपको बताना है तो वो खोज है चालुक्यों के द्वारा की गई थी तो चालुक्य के द्वारा की गई थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर पच्चीस लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है आपको इसका युग बताना था भी इसका करेक्ट आंसर जो स्टूडेंट इसका करेक्ट इसका आंसर ऑप्शन सी करके है मध्य पूरा पाषाण युग उसका करेक्ट है भी मध्य पूरा युग करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छब्बीस बूंदीगढ़ के तारागढ़ किले बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण डैश द्वारा किया गया बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण है वो राव राजा विष्णु द्वारा किया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्ताईस की दिवेर की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई दिवेर की जो लड़ाई है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो दिवेर की लड़ाई है वो लड़ी गई थी दिवेर का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था भी नेक्स्ट उसके बाद में अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस की सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित गोमेश्वर मंदिर भगवान शिव का डैश ज्योतिर्लिंग है तो कौन सा कितने नंबर का ये जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको बताना था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी बारवा ज्योतिर्लिंग है माधोपुर के सिवाड़ गांव में जो गोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है क्वेश्चन नंबर मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है जी क्वेश्चन है भी कब किया जाता है गैर है वो कब किया जाता है होली के अवसर पर लोक नृत्य किया जाता है करेक्ट आंसर होगा डी उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीस लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान की किस जिले में, तो में, में स्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जी क्वेश्चन है भी हनुमानगढ़ में गोगा स्थित है क्वेश्चन नंबर इकतीस की बात करते हैं झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईजी क्वेश्चन है भी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हाड़ोती नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बत्तीस पे क्वेश्चन नंबर बत्तीस है रण कपूर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नेमीनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेमीनाथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेतीस राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रिएशन हो जाएगा भी सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया क्वेश्चन नंबर चौंतीस निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है तो देखिए जो भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध नाटक है वो आपका है जस्मा उडन जस्मा उडन ऑप्शन सी है चौंतीस नंबर का करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पैंतीस बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे ई जी क्वेश्चन नंबर बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नैनू राम पंडित नैनूराम ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट उसके बाद में बात करें नेक्स्ट छत्तीस नंबर क्वेश्चन निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगजीत सिंह जगजीत सिंह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से बिलोंग करते थे भी क्वेश्चन नंबर सैंतीस अठारह में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था देखिए जयपुर राज्य का अठारह अठारह में अंग्रेजों के साथ संधियों करने वाला जो राजा था वो कौन था ऑप्शन ए आंसर आंसर हो हो जाएगा मान मान हो जाएगा महाराजा महाराजा भी क्वेश्चन अड़तीस की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अड़तीस है एक ही आंदोलन के नेता कौन थे यानी आपको करेक्ट आंसर इसका बताना था कि जो एक ही आंदोलन के नेता कौन थे इजी क्वेश्चन था आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत कौन थे मोतीलाल तेजावत नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन उनचालीस नंबर भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की गठन के कितने चरण थे उनचालीस नंबर का करेक्ट आंसर जिसने सात चरण किए हैं उसका करेक्ट आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी राजस्थान जी के का आपका बहुत अच्छा मतलब इजी पेपर रहा है बहुत ज़्यादा इजी पेपर रहा है तो इसमें अपने कह सकते हैं चालीस में आपने लगभग सैंतीस अड़तीस क्वेश्चन आराम से आपने लगा दिए अभी एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन नंबर चालीस निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी ऑप्शन ए अंजना देवी चौधरी चलते हैं नेक्स्ट आपका ये था राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन उसके बाद में पार्ट बी यानी जो वेटनरी साइंस का है उसकी अपने बात करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वेटरी साइंस के क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है इकतालीस नंबर रोमन थी पेट के निम्नलिखित चार खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है यानी आपको बताना है कि स्टमक किसे कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एबुमेज को क्या कहते हैं स्टमक कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बयालीस नंबर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अग्र अंग का जोड़ा नहीं है यानी आपको बताना है कि जो फोर लिंब है उसका जॉइंट कौन सा नहीं है तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टीफल जो जॉइंट है स्टीफल जॉइंट है वो क्या है अग्र अंग का जोड़ा नहीं है फोर लिंब का नहीं है अभी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं देखिए जो टिथ है कैटल और बफेलो में कौन से कैनाइन दांत है वो क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं ये दांत कुत्ते और बिल्ली इनमें बंदर जैसे इनमें पाए जाते हैं कैनाइन है वो इनमें उपस्थित होते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैनाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है फोर्टी फोर कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क के कपाल तंत्रिकाओं में कितनी जोड़ी निकलती है तो आपकी फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारह ऑप्शन बी बारह हो जाएगा अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ए एन एस की क्रिया डैश द्वारा नियंत्रित होती है जो ओटोन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसकी क्रिया वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है वो होती है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथेमल हाइपोथेलेमस के द्वारा हाइपोथेलेमस के द्वारा इसकी क्रिया है वो कंट्रोल होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स छालीस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है यानी कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर यूरिनरी ब्लड है वो एबसेंट होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्गा यानी फाउल के अंदर क्या होता है एब्सेंट होता है अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाउल या मुर्गा कह सकते हो फाउल या मुर्गा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ऊँट में पेट के कितने भाग बार से दिखाई देते हैं देखिए इसने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा कि ऊँट के पेट के बाहर है वो कितने भाग दिखाई देते हैं तो देखिए ऊँट के जो पेट के वैसे तो कंपार्टमेंट होते कितने टोटल टोटल तीन होते हैं टोटल कितने होते हैं तीन होते हैं जिसे अपने शुडो कहते हैं और इसमें क्या होता है जो आपका होता है वो क्या होता है एबसेंट होता है लेकिन बार से जब देखे ना बार से अपने महसूस करते हैं दो अपने बार से दिखाई दे सकते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है स्तनधारियों में धवन्यात्मक यानी ध्वनि उत्पादन का अंग कौन सा है देखिए स्तनधारी अपने भी क्या होते हैं स्तनधारी के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर भी ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न होती है ऑप्शन है आपका बी करेक्ट आंसर कंठ यानी जो लिरिंक्स होता है वहां से है जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो ऑप्शन बी लिरिंक्स आपका सही हो जाएगा फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को डैश के रूप में भी जाना जाता है यानी जो प्लेटलेट्स है इनको किस नाम से भी जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पचास नंबर क्वेश्चन है मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है तो मूत्र का सामान्य पीला रंग है वो किसके कारण प्राप्त होता है वो आपको बताना था यहाँ करेक्ट आंसर आपका देखिए ऑप्शन थे कैरोटीन यूरिया यूरिकमल और आपका बिलूरीबिन बिलूरीबिन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलूरीबिन क्या हो जाएगा बिलूरीबिन हो जाएगा अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बिलूरीबिन इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखिए इक्यावन नंबर क्वेश्चन है हमारा जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ है आपको इजी क्वेश्चन था एटीपी की फुल फॉर्म बतानी थी क्या है एडिनोसइन ट्राइफोसपेट एडिनोसिन ट्राईफोस्पेट क्वेश्चन नंबर बावन ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इजी क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन कोशिका शक्ति ग्रह किसे कहते हैं यानी जो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है पावर हाउस सेल है वो माइट्रोकोड्रिया को कहते हैं तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट्रोकोंड्रिया को क्या कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्वेश्चन नंबर चौपन निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है बहुत इजी क्वेश्चन था भी जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपको बताना था यानी बी और सी विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी आपका क्या है जल के अंदर घुलनशील है बाकी क्या है वसाविल्य विटामिन रहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया विटामिन सी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पचपन मधुमेह द्वारा विशेषीकृत एक नैदानिक स्थिति है यानी आपको पूछा है कि डायबिटीज़ है डायबिटीज़ है वो क्लिनिकल कंडीशन इसकी जो करैक्ट्रिस करैक्ट्रिटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं देखिए इसमें होता क्या है यानी जो आपका डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है यानी ब्लड में क्या होता है ग्लूकोज तो इंक्रीज हो जाती है और इसमें इंसुलिन है वो क्या हो जाता है इनसफिस हो जाता है इंसुलिन क्या हो जाता है कम हो जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि यानी ग्लूकोज है उसमें वृद्धि हो जाती है शर्करा होती है जो ब्लड के अंदर और इंसुलिन है वो कम हो जाता है तो करेक्ट आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर छप्पन की बात करें प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर डैश की उपस्थिति द्वारा उपस्थित की सॉरी प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर डैश की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है देखिए प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर हो जाता है देखिए जब कि सीरम से क्या है फाइब्रोजन निकल जाता है सीरम से क्या होता है फाइब्रो फाइब्रिनोजन होता है वो निकल जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रिनोजन ऑप्शन बी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है फिफ्टी सेवन सत्तावन नंबर क्वेश्चन है भी आपको बताना है अभी घातक माइसिस को के रूप में जाना जाता है यानी जो ये ट्रोमेटिक माइसिस है उसको किस रूप में जाना जाता है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी मैगट घाव क्या हो जाएगा मैगेट बाउंड हो जाएगा क्या हो जाएगा मैगेट बाउंड हो जाता है जो तो क्या होता है घरेलू मक्खी से जैसे हो जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट निम्नलिखित में से एक निश्रावशिष्ट है आपको बताना था कि एक्जुडेशन सिस्ट कौन सा है एक्जुडेशन सिस्ट कौन सा है तो इसका आपका हो जाएगा हाइड्रोसील क्या हो जाएगा हाइड्रोसील ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जल वर्षण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन व्यात या जनादशन की कि किस विधि में बर्डीजो कास्ट्रेटेड का उपयोग किया जाता है यानी जो बर्डीजो कास्ट्रेटर होता है इसका उपयोग किस मेथड में किया जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद विधि यानी क्लोज मेथड के अंदर यानी जिसके अंदर सर्जरी की जाती है वो आपका क्या रहता है ओपन मेथड रहता है और जिसके अंदर सर्जरी नहीं करते वो आपका क्लोज मेथड हो जाएगा क्या हो जाएगा बंद विधि होगा भी इसका आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर साठ असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय कहलाता है यानी कोलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन एन ब्लड देखिए कोलेक्शन और एक्यूमलेशन ऑफ ब्लड इन ए अबनॉर्मल कैविटी इज टर्म्ड एज उसे क्या कहते हैं देखिए इसे कहा जाता है हेमेटोमेटा हेमेटो इसे कहा जाता है हेमेटोमा कहा जाता है भी क्या कहते हैं हेमेटोमा ऑप्शन डी आपका रक्त गुलम आंसर सही होगा अभी हैमेटोमा कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को यानी जो एबजो डोज होती है जो डोज होती है एक्सरे की उसको क्या कहते हैं देखिए इसको रेड कहा जाता है क्या कहते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड कहा जाता है भी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू फ्रैक्चर के उपचार के चरणों को फ्रैक्चर के उपचार के चरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है आपको ये बताना था कि जो फ्रैक्चर का उपचार होता है उसके अंदर जो आपका क्रम रहता है वो कौन सा है क्वेश्चन की बात करते हम बासठ नंबर क्वेश्चन के तो इसमें क्या आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी सबसे पहले क्या होता है देखिए इंग्लिश वाला पोर्सन देखना यदि यह इंग्लिश वाला देखते तो आपको ईजी से थोड़ा पता लग जाता भी वैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ था देखिए सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेशन होता है किसका हेमेटोमा का उसके बाद में सबसे पहले फॉर्मेशन हो गया हैमाटोमा का उसके बाद में क्या सॉफ्ट कैलस बनते हैं उसके बाद में आपका निर्माण होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक जो बोन कैलस होता है उसका उसके बाद में सेकेंडरी बोन कैल्स का निर्माण होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बासठ का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री देखिए एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है ईजी क्वेश्चन था भी यानी कौन सी प्रोसेस है जिसमें मैसेज को क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है सोर्स से रिसीवर तक यानी सोर्स से रिसीवर तक मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसे अपने कहा जाता है संचार ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे कहते हैं इसे क्या कहा जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार कहा जाता है ऑप्शन डी करेक्ट है ऑप सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट है कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अभी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर चौंसठ नंबर आपका क्वेश्चन है डैश को संयुक्त रूप से स्वामी तव वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है देखिए क्या कह रही है डैश कैन बी डिफाइंड एज ए एज एन ओटोनोमस एसोसिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलेंटियरी वॉल्टरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड एंड एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेज देखिए इसमें क्या होती है मैं की भावना ना होके हम की भावना रह, रहती है यानी सब हमारे लिए और हम सब के लिए तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सहकारी समिति ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर सहकारी समिति क्वेश्चन नंबर पैंसठ सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन आपका देखिए पैंसठ नंबर क्वेश्चन है वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है आपको उपकरण बताना था जिसके माध्यम से सिर्फ अपने संदेश को क्या देख सकते हैं सिर्फ अपने देख सकते हैं क्या कर सकते हैं सीन कर सकते हैं तो देखिए इसमें आपके देखिए ऑडियो विजुअल विजुअल एड्स रेडियो टेलीफोन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विजुअल एड्स यानी विजुअल में क्या होते हैं सिर्फ अपने देख सकते हैं अभी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्सटी फाइव का क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित एक तख्ती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोस्टर ऑप्शन ए हो जाएगा पोस्टर करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है अपने विशिष्ट क्षेत्र अपने विशिष्ट क्षेत्र परिणामों को दिखाकर लोगों को नई और बेहतर पत्ती अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिणाम प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन आपका करेक्ट आंसर होगा रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट अड़सठ नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेदर्श है यानी ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल मीडियम रहता है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है यानी ऑडियो आवाज भी आती है और दिखाई भी देता है तो ऐसा कौन सा होगा ऑप्शन बी आपका टेलीविजन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा सिक्सटी एट का टेलीविजन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन बकरी जीनस जाति से संबंधित है तो बकरी का इसने यहाँ पे बोर्ड जो आपका है जूलॉजिकल नाम पूछ लिया है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्रा हिरकस बकरी का क्या होता है कैप्रा हिरकस होता है भी ओविस एरिस भेड़ का होता है कैप्रा हिरकस बकरी का बोस्टोरस है वो क्या होता है आपकी जो गाय का रहता है यानी विदेशी गाय का होता है और गैलस डोमेस्टिक है वो किसका मुर्गी का हो जाता है भी

सहकारी प्रणाली में त्रिस्तरीय संरचना है तो इसका आंसर हो जाएगा यानी त्रिस्तरीय कैसी है त्रिस्तरीय कैसी है थ्री टायर है कैसी है थ्री टायर है, है? है आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेवेंटी टू की बहत्तर नंबर क्वेश्चन है हमारा डैश को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित उत्तक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो इसे क्या कह सकते हैं अपने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा अभी करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर है तिहत्तर सेवनटी थ्री बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ के रूप में जाना जाता है यानी जो अपनी क्या करता है शरीर के अंदर अपने को इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रदान करता है वो क्या होता है एंटीबॉडी होता है क्या होता है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है हमारा प्रतिरक्षा उसे एंटीबॉडी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है पौधों का एक परिवार है, जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है उसे डैश के लिए रूप में जाना जाता है तो देखिए फलियां यानी लेग्यूम होती है कुल की यानी दलहनी फसलें होती है वो क्या होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है भूमि की जो है फर्टिलिटी या उर्वरा शक्ति वो बढ़ाती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव व्यस्क घोड़े में सवसन की दर क्या होती है तो आपका वयस्क जो घोड़ा होता है उसकी सब्सन दर होती है आठ से बारह पर मिनट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आठ से बारह पर मिनट हो जाएगा अभी पिछहत्तर नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आठ से बारह पर मिनट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स छंत्र नंबर क्वेश्चन अभी निम्नलिखित में से किसे किणवक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है यानी आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है आपको ये बताना था कि कौन सा एंजाइम नहीं है बाकी सभी एंजाइम है इंसुलिन आपका गया एक हार्मोन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षंत्र का इंसुलिन क्वेश्चन नंबर सतर निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है आपको बताना था कि जो नर पशु होता है उसका कौन सा है जो सहायक यौन अंग नहीं है यानी लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो सहायक यंग अंग नहीं है ऑप्शन सी अश्रु ग्रंथि क्या सहायक अंग है वो आपका यौन सहायक यौन अंग है वो नहीं है यानी एसेसरी जो सेक्स ऑर्गन है वो इसका मेल का नहीं रहता है क्वेश्चन से नंबर सेवेंटी एट अठहत्तर नंबर क्वेश्चन है भी भारतीय औष्ट विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है यानी जो फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी किसे कहते हैं तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी कहा जाता है सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा को सर कर्मन कर्नल रामनाथ चोपड़ा को फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन ऑफिस इंटरनेशनल डैश क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन है कि ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपीजूटिज ओ आई ई कहां पर हुई है इसको क्या बोला जाता है और इसको बोला जाता है पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन ऑप्शन सी आपका उन्यासी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी यह आपका रहता है पेरिस के अंदर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अस्सी औषधि विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण वितरण चपाचे और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है तो आपका इसका करेक्ट आंसर बताना है एटी नंबर का क्या होना जिसने क्या किया है इसका जो आपका फार्मो इसका जो जिसने ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी किया है जिसने फार्माकोकाइनेटिक्स यानी फार्माकोकाइनेटिक्स किया उसका करेक्ट है भी। उसका करेक्ट है विज्ञान की शाखा जो दवा के अवशोषण वितरण चपाचे और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फार्मोकोकाइनेटिक्स होता है भी क्वेश्चन नंबर एट्टी वन इक्यासी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आधान आधान प्रयाजनों के एकत्रित किए गए रक्त के जमाव रोकने के लिए किया जाता है यानी कौन सा ऐसा क्वेश्चन एटी वन है विच ऑफ फॉलोइंग एजेंट इज़ यूज टू प्रीवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्पेसिफिकली कोलेक्टेड फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट हो जाएगा भी सोडियम साइट्रेट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी टू बयासी नंबर क्वेश्चन है दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर या रूमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर स्टेटिस यानी प्रथम अमाश्य के रक्त के बहाव में अवरोध से रात प्रदान करती है वह होती है तो वह कौन होती है इसका करेक्ट आंसर हो गया पैराफिन ऑप्शन बी पैराफिन हो जाएगा लिक्विड पैराफिन हो जाएगा भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बयासी नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर हो गया लिक्विड पैराफिन होगा भी क्वेश्चन नंबर एटी थ्री तिरासी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपोक्राइटस हिपोक्रैटस ऑप्शन डी एटी थ्री का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है भी क्वेश्चन नंबर एटी फोर जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों फैलती है तो इसे डैश कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसे एप्पीजूटिक कहा जाता है क्या कहते हैं एप्पीजूटिक रोग कहा जा रोग कहा जाता है क्या कहते हैं इसे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अभी एपी डिजीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव पिचासी नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बद या नर्मवेशों में अधिक देखी दि� जाती है यानी जो आपके कास्टेटेड मेल होते हैं उनके अंदर आपकी जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं वो देखी जाती है ज़्यादा तो कौन सी होती है आपकी आ, स्क्रोटल हर्निया देखा जाता है क्या होता है स्क्रोटल हॉर्निया ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अंडकोश का हर्निया हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव का क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव का क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स जानवरों में हीट स्ट्रोक डैश होता है तो इसे क्या कहते हैं इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं क्या कहते हैं हाइपरथर्मिया कहते हैं अति ताप या हाइपरथर्मिया कहा जाता है इजी क्वेश्चन था भी क्वेश्चन नंबर एटी सेवन सितयासी नंबर क्वेश्चन है अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को डैश कहा जाता है देखिए कोई भी पशु अपना या अन्य जानवर का मल खाता है उसे क्या कहते हैं कोप्रोफेजिया या समल भोजी कहते हैं कोप्रोफेजिया या समल भोजी कहा जाता है करेक्ट आंसर करेक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितयासी नंबर क्वेश्चन का उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस जानवर के किस जानवर में मूत्र अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है यानी इनमें से कौन सा पशु ऐसा जानवर है जिसमें क्या होता है अम्लीय पीएच होता है मूत्र का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कुत्ते का जो पीएच होता है वो रूप होता है तो अठासी का आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर एटी नाइन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं एटी नाइन की नवासी नंबर हमारा क्वेश्चन है देखिए नवासी नंबर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी एफ के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है यानी जब एक बार टीकाकरण प्राइमरी वैक्सीनेशन कर देते हैं उसके बाद में जो बाद में टीकाकरण किया जाता है वो ऑप्शन बी बार छह माह की अवस्था पर किया जाता है कब करते हैं छह माह की अवस्था पर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नब्बे नंबर क्वेश्चन आपका रेबीज वायरस पर डैश के माध्यम से संचारित होता है तो ये आपका किसके द्वारा संचारित होता है संक्रामक लार कुत्ते के दो काटने से क्या होता है रेबीज होता है तो ये होता है इन्फेक्टिव जो सलेवा होता है वो हो जाता है आपका रेबीज वायरस से क्वेश्चन नंबर इक्यानवे दो डैश की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास या संगम करते हैं यानी जब स्पीसीज होती है उसमें जब क्रॉस होता है तब क्या होती है वो क्या रहती है फर्टाइल प्रोजनी नहीं रहती है अभी फर्टाइल नहीं रहती है ज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजाति यानी स्पीसीज जब इंट्रास्पेसिक जब क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है उसमें जो इसकी आगे की जो संततियां हैं वो क्या होती है फर्टाइल नहीं होती है जैसे आपने गदी और घोड़े का क्रॉस ही नहीं था वो क्या हो गया आपका फर्टाइल नहीं था इस प्रकार से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाण रक्त श्रावी सेप्टीसीमिया डैश के कारण होता है यानी आपको एच एस हेमोरजिक सेप्टीसीमिया बताना था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु ऑप्शन ए बैक्टीरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा भी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री निमन में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टाजवर होता है यानी इसके अन्य नाम होते हैं कौन सा रोग है जिसको लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टाजवर भी कहते हैं

यानी जब अपने क्या करते हैं जब लिस्ट रखी जाती है रिकॉर्ड रखा जाता है एनसेस्ट्र का यानी एनसेस्ट्र का पास्ट का इनका फ्यू जनरेशन का यानी कुछ जनरेशन का व्यक्ति रूप से जब रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वंशावली क्या हो जाएगा पेडिग्री ऑप्शन सी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भी क्वेश्चन नंबर पिचानव एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है यानी जब क्या होगा वर्म इज यूज फॉर दी मेटिंग अकर अमो दिन अनरिलेटेड इंडिविजुअल देखिए ध्यान दीजिए अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स आया है सेम ब्रीड के लिए तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउट क्रॉसिंग क्या हो जाएगा आउट क्रॉसिंग हो जाएगा अभी आउट क्रॉसिंग हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स छानवे नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पशु नसल दुधारू नसल नहीं है आपको बताना है कि कौन सी नसल है वो क्या है आपकी मिल्च ब्रिड नहीं है इजी क्वेश्चन था आपकी कांक्रेज है वो द्वि काजी नसल रहती है करेक्ट करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी कांक्रेज कांक्रेज द्वि काजी बाकी सभी मिल्च ब्रिड है भी क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन स्तारण नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में विश्व की भारत में विश्व की डैश से अधिक भैंस की आबादी है दुनिया की लगभग भारत में सत्तावन प्रतिशत भैंस पाई जाती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पचास प्रतिशत इसके आसपास का आपका आंसर है वो पचास है तो आपका आंसर हो जाएगा पचास प्रतिशत क्वेश्चन नंबर अट्ठानवे एन का पूरा नाम पूछा है कि एन का पूरा नाम क्या है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑप्शन सी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्वेश्चन नंबर नाइन्टी निन्यानवे नंबर क्वेश्चन है देखिए आर एस एम एम बी यानी जो राजस्थान मंत्रालय का अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसके द्वारा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान कहाँ स्थित है तो अविका नगर टोंक राजस्थान में स्थित है करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन्टी नाइन का अविका नगर राजस्थान क्वेश्चन नंबर सो हंड्रेड नंबर क्वेश्चन का अपने देखते हैं आंसर भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्रों गुण की संख्या कितनी होती है ई क्वेश्चन है भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुराण में क्वेश्चन रहते हैं चुराण गुणसूत्र रहते हैं भी फिफ्टी फोर क्रोमोजोम रहते हैं भेड़ के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए क्वेश्चन नंबर एक सौ एक प्रो कैरियो कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है देखिए प्रो कैरियोटिक कोशिका पूछा आपकी यानी प्रो कैरियोटिक कोशिका का मतलब इसके अंदर सुव्यवस्थित जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है और झिल्ली युक्त तो जो केंद्रक युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो भी क्या होते हैं एबसेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो इसमें आपका ये पूछा कि क्या पाया जाता है केंद्रक भी नहीं होता अंत जाली का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होती और साइटोपंजर भी नहीं होता तो आपका क्या होता है राइबोसोम जरूर पाया जाता है भी राइबोसोम जरूर पाया जाता है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम क्वेश्चन नंबर 102 सौ मवेशी भेड़, मवेशी, भैंस भेड़ और बकरी की व्यस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर डैश होते हैं यानी आपकी अडल्ट फीमेल कैटल बाफेलो सीप और गोट की जो ओवेरीज होती है वो कैसी किस सेप की होती है वो होती है अलमंड सेप की बादाम के आकार की करेक्ट आंसर हो जाए 102 का सी बादाम के आकार की ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 103 डैश वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंत श्रावी और युग्मिकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहां परजनन संभव है तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्यूबर्टी ऑप्शन डी यानी जब वो मैच्योर हो जाती है उसे क्या कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं क्या कहते हैं उसे प्यूबर्टी कहा जाता है 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा जाता है यानी सबसे जो छोटा स्टर्स किसका होता है गाय का होता है भी इन पशुओं में सबसे ज्यादा क्या होता है गाय का स्टर्स होता है सबसे ज्यादा इनमें किसका होता है घोड़ी का होता है सबसे ज्यादा घोड़ी का रहता है भी क्वेश्चन नंबर एक सौ पांच भेस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है एजी क्वेश्चन है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन सौ दस दिन तीन सौ दस दिन रहती है भी गर्भावधि भैंस की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक सौ छः की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ छः गर्भ मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से होती है यानी आपका जो नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है जो फोइटियस होता है उसकी प्रेग्नेंट कैटल और बफेलो में वो होता है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदेद्रीय प्रसूति सॉरी अनुदेद्रीय प्रस्तुति होती है अभी लोंगिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन होती है अभी लोंगिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर एक सौ सात दूध के श्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है यानी दूध का जो आप आ, लेट डाउन यानी दूध उतारने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीटोक्सीन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा ये ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर था आपका ये 107 क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 है कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रो को डैश तापमान पर पॉइंट पाँच से एक मिनट तक गलाना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैंतीस से सैंतीस डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन से नंबर एक कौन सा ए आई कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी का प्रयोग भैंस में किया जाता है तो आपने फील्ड में भी देखा होगा रेक्टो योनी कह सकते रेक्टो वेजाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक सौ नौ का क्वेश्चन नंबर एक सौ दस जमे हुए वीर्य को डैस के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस एक सौ छियानवे डिग्री सेल्सियस माइनस एक सौ छियानवे डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह है वेंडे की प्रणाली के अनुसार छह समीपस्थ सिद्धांत क्या है वेंडे की प्रणाली के अनुसार छह समीपस्थ सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं कौन कौन से हो सकते हैं भी? देखते हैं यहाँ देख लेते अपने क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह में देखिए वोटर इथर एक्सट्रैक्ट क्रूड फाइबर क्रूड प्रोटीन टोटल एस नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट तो आपका एक सौ ग्यारह नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भी ऑप्शन ए सौ ग्यारह का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एक सौ एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है उसे कहा जाता, जाता है आवश्यक अमीनो अमल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भी 112 का एसेंशियलो एसिड कहा जाता है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एक सौ तेरह क्वेश्चन नंबर एक सौ तेरह है, है स्तनधारियों की तुलना में स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि डैश प्रोटीन चपाचे का अंतिम उत्पाद है देखिए इनके अंदर क्या होता है अंतिम उत्पाद रहता है यूरिकमल तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूरिकमल हो जाएगा भी 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिक एसिड क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं रक्सराव या रक्तराव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी कारण होता है यानी ब्लीडिंग डिजीज और डिलेड ब्लड कोगुलेटिंग में आकर ड्यू टू द डिफिशंसी ऑफ बिच विटामिन यानी खून का जो या रक्त का थक्का नहीं बनता है या देरी से बनता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है ऑप्शन सी विटामिन के तो एक सौ चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर एक सौ पंद्रह सूखी घास में डैश से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किणवन और दहन के जोखिम बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके ये बात कर रहा है हे की कि? किसकी बात कर रहा है हे की हे में क्या होती है नमी है वो पंद्रह प्रतिशत से कम रहनी चाहिए अधिक नहीं होनी चाहिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के मध्य अनुपात क्या होता है भाई आपसे कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात पूछा गया है तो आपका कैल्शियम दो रहता है और फास्फोरस एक होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का बी दो अनुपात एक क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्रह विटामिन बी बारह का सामान्य नाम क्या है विटामिन बी का बारह का सामान्य नाम है साइनोकोबाल एमिन देखिए इजी क्वेश्चन था ऑप्शन ए हो जाएगा एक सौ एक सौ सत्रह नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो जाएगा, हो जाएगा साइनोकोबाल एमिन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठारह गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 118 नंबर डैश आर लाइव कल्चर्स ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विच आर एडमिनिस्टर्ड ओरली तो इसका आपको करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोबायोटिक्स क्या होगा प्रोबायोटिक्स आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबायोटिक्स क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानू फलन यानी पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है तो जो पटेला होता है आपका बोन्स के क्लासिफिकेशन में वो हो जाएगा आपका सिस्मोइड हड्डियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्मोइड बोन्स हो जाएगा अभी एक सौ उन्नीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्मोइड हड्डियाँ क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस है बिच बोन इज नाउन एज ब्रेस्ट बोन यानी किसको ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है इन स्तन हड्डी तो इजी क्वेश्चन था करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उरोस्ती देखिए आपने प्रायवाची भी पढ़े होंगे तो आपने स्तन का प्रायवाची उरोज भी पढ़ा होगा तो उरोस्ती क्या होती है जो आपकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्टर्नम होता है जो क्या होता है ब्रेस्ट बोन होती है आपका ये इसके आंसर की थी आपके आज का जो एल का लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम था इसकी ये आंसर की थी आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और कट ऑफ के लिए कट ऑफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर कर आऊँगा आपको चिंता नहीं करनी अभी पैनिक नहीं होना है आपने जो पेपर दे चुके हैं वो आप दे चुके हो आप इंतज़ार कीजिए बोर्ड की आंसर की का उसके बाद में रिजल्ट का तो कट ऑफ का आपने अभी आइडिया लेके और अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर कर आऊँगा मैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर